कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी की पूजा से वैभव बढ़ता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी काफी महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर चांद के दर्शन के बाद दीप दान करने की भी परंपरा है। वहीं हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। किसी खास दिन किए गए दान का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। साल भर में आने वाली पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन कुछ चीजों का दान करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किन चीजों का दान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन अगर माँ लक्ष्मी की प्रिय चीजों का दान किया जाए तो व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी को सफेद रंग की चीजें बेहद प्रिय है। दूध का दान करने से व्यक्ति के घर में बरकत बनी रहती है। इससे व्यक्ति के घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करते समय इस बात का ख्याल रखें कि शाम के समय दूध का दान ना करें। दूध का संबंध चंद्रमा से होता है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन वस्त्रों का दान करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन वस्त्र दान करने से दो गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आर्थिक स्थिति उत्तम रहती है। जितना संभव हो सके आज के दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए। वहीं अन्नदान महादान के बराबर है। जितना संभव हो व्यक्ति को अन्नदान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अन्नदान करने से व्यक्ति को जीवन में सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना भी काफी शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस दिन गुड़ के दान से भगवान विष्णु बहुत ही खुश होते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दारिद्रता दूर होती है और धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। तो आप भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन चीजों का दान जरूर करें। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही और ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।